का शाहबाद में गुरु रविदास अमर ज्योति जागृति मिशन रजिस्टर द्वारा लॉकडाउन के चलते शाहबाद में गरीब मजदूरों को लगातार 25 तारीख से खाना उपलब्ध करवा रही है। गुरु रविदास अमर ज्योति जागृति मिशन रजिस्टर के सदस्यों ने सभी देशवासियों से अपील की कि लॉकडाउन का उल्लंघन न करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, ताकि इस महामारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। धन्यवाद की आजादी के लिए। हल्का शाहबाद से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। भयानक बीमारी से देश जूझ रहा है, जिसके चलते निरंतर श्री गुरु रविदास अमर ज्योति जागृति मिशन रजिस्टर्ड जो शाहबाद मारकंडा जलेबी पुल के पास है, श्री गुरु रविदास महाराज जी का धाम है, जो निरंतर 20 मार्च से लेकर अब तक इस बीमारी से जो पूरे देश में जो लॉकडाउन हुआ उसके चलते हुए यहां से लंगर वितरण कराया जाता है हर रोज़। यहां पर काफ़ी दिनों से जो लंगर कम से कम सैकड़ों लोगों को लंगर दिया जाता है, निरंतर यहाँ से गाड़ी जाती है लंगर के लिए, और सूखा लंगर भी श्री गुरु रविदास जागृति मिशन के जो लोग हैं श्री गुरु रविदास महाराज जी धाम के, वो निरंतर सेवा कर रहे हैं हमारे, जिसमें श्रीमान श्रीचंद जी हैं और प्रधान केहर जी हैं और भी सरपंच साहब जी हैं। निरंतर पूरे इलाके का सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है, और हम ये कहेंगे कि सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी ने जो अपनी वाणी में कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े समबसे रविदास रहे प्रसन्न, इसी चीज को लेकर इस रविदासिया पुल के जो लोगों ने ये निरंतर जो सेवा करने का ठाना है और निरंतर ये सेवा चल रही है। तो मैं आस करूंगा यहां इस चैनल के माध्यम से कि जो जो भी जहां जहां भी गरीब लोग हैं उनकी सहयोग करें, जिस तरह श्री गुरु रविदास अमर ज्योति जागृति मिशन के कर्मठ यहाँ के जो सेवादार ये सेवाएँ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से आप सभी को बहुत सारी साधुवाद देता हूँ और आप सभी से संदेश करता हूँ कि कोरोना वायरस से बचना है तो अपने घरों में सुरक्षित रहें और सावधानियाँ दें, और सरकार जो प्रशासन ने जो सुविधाएँ दी हैं बचने की, जो उनके आदेश हैं उनको पालन करें। तो इसी के साथ जय भीम जय गुरुदेव। हमारे श्रीचंद जी हैं, वो भी अपने विचार। परिचय क्या आपका? मेरा नाम धर्मपाल दास है, जो यहाँ पर गुरु महाराज जी के निरंतर कई महीनों से हम सेवा कर रहे हैं इस मंदिर के, और यहाँ से हम प्रचारक हैं। सुबह शाम गुरु जी की अरदास करते हैं, वाणी का पाठ पूजा का काम करते हैं, और हमारे श्रीचंद जी इस कोरोना वायरस की बीमारी में जो सहयोग कर रहे हैं लोग, गरीब लोगों का, ये हमारी सोच है कि सभी शांति से रहें, पूरा देश पूरी दुनिया में शांति रहे। साधुवाद, जय गुरुदेव, जय जी सर जी। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय गुरुदास। साथियों, इस श्री गुरुदास आश्रम से, इस आश्रम की जो कमेटी है, श्री गुरु रविदास अमर ज्योति जागृति मिशन के सभी कर्मठ साथी और इस इलाके के सभी लोगों के सहयोग से जो यहाँ फ्री लंगर सेवा चल रही है, मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। और इस जो महामारी है, जो हमारी सरकार के आदेश हैं, जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको लेकर हम सब ने ध्यान रखना है, ताकि पूरे विश्व में सुख और शांति रहे और इस बीमारी से बचा जा सके। सभी साथियों का धन्यवाद। मैं श्रीचंद इस कमेटी और इस आश्रम श्री गुरुदास जागृति मिशन का चेयरमैन हूँ। सभी साथियों का धन्यवाद। सभी साथियों को जय भीम, जय गुरु रविदास। ये जो कोरोना महामारी पूरे विश्व में चल रही है, इसके लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। ये हमारा श्री गुरु रविदास अमर ज्योति जागृति मिशन, जो भी प्रवासी या गरीब मजदूर बेरोजगार लोग हैं उनके लिए हम यहाँ से लंगर की व्यवस्था निरंतर कर रहे हैं, और जो भी साथी जिनको भी ज़रूरतमंद है उनकी भी सेवा में हमारा मिशन, हमारे आश्रम के जो टीम है श्री गुरु रविदास जागृति मिशन रजिस्टर्ड, वो लगातार इस सेवा में लगी हुई है। मैं सभी संस्थाओं से यही आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी इन गरीब लोगों की सहायता करें, और जो भी लाचार भूखे लोग हैं उनके लिए ऐसे ही लंगर की व्यवस्था सभी करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास।
परिचय क्या सर आपका? मैं राजकुमार सरपंच सुलखणी